जब से जो बाइडेन ने अमेरिका की कमान संभाली है, तब से विश्व का सबसे शक्तिशाली देश चीन के सामने घुटने पर आता दिखाई दे रहा है। कई मौकों पर चीन के विरोध को देखते हुए अमेरिका अपने कदम पीछे खींच चुका है। नमस्कार, TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताऊंगी कैसे एक बार फिर अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने चीन के सामने अपने घुटने टेक दिए हैं। चीन विरोध करे और बाइडेन प्रशासन वाला अमेरिका अड़ा रहे, ऐसा हमें फिलहाल देखने को तो नहीं ही मिल रहा। इसी क्रम में एक और उदाहरण हमें देखने को मिला, जब अमेरिका ने पहले ताइवान के झंडे के साथ एक ट्वीट किया और फिर चीन के डर से उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। दरअसल मंगलवार यानी 6 जुलाई को व्हाइट हाउस ने एक ट्वीट पोस्ट किया जिसमें राष्ट्रपति बाइडेन ने अमेरिका को आर्सेनल ऑफ वैक्सीन फॉर द वर्ल्ड बताया और उल्लेख किया कि जिन देशों में 40 मिलियन वैक्सीन के डोज दान दिए गए हैं, उनमें ताइवान भी शामिल है। ट्वीट में पोस्ट किए गए फोटो में ताइवान को दिखाने के लिए उसका झंडा लगाया गया था और कहा गया था कि इस द्वीप देश को 18 जून को मॉडर्ना कोविड-19 वैक्सीन के 2,40,000 डोज प्राप्त हुई थी। उसी दिन ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन ने इस पोस्ट को रीट्वीट भी किया और अमेरिका को उसकी उदारता के लिए धन्यवाद देते हुए कहा, एक साथ हम इस महामारी को हरा देंगे। हालांकि बुधवार को व्हाइट हाउस की ट्वीट को अचानक डिलीट कर दिया गया था। अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अमेरिका ने चीन की नाराजगी के डर से इसे हटा दिया। ऐसा लगता है इस पोस्ट के बाद अमेरिका को जिनपिंग का फोन आया और उसे इस पोस्ट को हटाना पड़ा। बता दें कि अमेरिका भी अधिकांश देशों की तरह केवल बीजिंग के साथ ही आधिकारिक संबंध रखता है, जो ताइवान का चीनी क्षेत्र में होने का दावा करता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका के ताइवान के साथ अनौपचारिक संबंधों को गहरा करने के लिए कई कदम उठाए गए थे, परंतु अब जो बाइडेन चीन के साथ पंगा नहीं लेना चाहते और ताइवान को किसी भी स्वतंत्र देश के रूप में कोई भी ऐसा ओहदा देना नहीं चाहते। व्हाइट हाउस के ट्वीट में ताइवान के अलग से झंडा लगाना उसकी स्वतंत्रता को स्वीकार करने जैसा है। चीन किसी भी ऐसी हरकत से नाराज हो जाता है जिसमें ताइवान को स्वतंत्र देश मानने की बात हो। हालांकि रॉयटर्स के अनुसार उस दिन व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की प्रवक्ता ने दावा किया कि ग्राफिक्स टीम की ये एक ऑनेस्ट मिस्टेक थी। साथ ही यह भी कहा गया कि अमेरिका अपनी ताइवान नीति में बदलाव नहीं करने जा रहा। प्रेस सचिव जेन साकी ने व्हाइट हाउस की दैनिक प्रेस वार्ता में कहा, इसे किसी भी तरह से आधिकारिक अमेरिकी नीति में बदलाव के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। जब हमें गलती का एहसास हुआ तो हमने ट्वीट को हटा दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका वन चाइना पॉलिसी के लिए प्रतिबद्ध है, जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता देती है लेकिन ताइवान की स्वतंत्रता को नहीं। बाइडेन सरकार की इस तरह चीन के सामने घुटने पर आने के बाद सेनेटर टेड क्रूज ने बाइडेन प्रशासन को लताड़ लगाई। ताइवान के झंडे की एक छोटी सी इमेज लगाकर उन्होंने ट्वीट किया कि यह ताइवान का ध्वज है। साथ ही उन्होंने बाइडेन प्रशासन पर कम्युनिस्ट तानाशाह शी को अपमानित करने के डर से ध्वज को स्वीकार करने से डर जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, बाइडेन चीन के मामलों पर कमजोर है। कुछ दिनों पहले भी इंडो पैसिफिक पर व्हाइट हाउस के समन्वयक कर्ट कैंपबेल ने एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन चर्चा के दौरान ये कहा था कि हम ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करते हैं। अब ताइवान के झंडे वाले ट्वीट को भी हटा दिया गया है। दोनों घटनाओं से स्पष्ट संकेत जाता है कि बाइडेन प्रशासन ताइवान के मामलों पर अब चीन के सामने घुटने पर आ चुका है और शी जिनपिंग को नाराज नहीं करना चाहता है।